लिंचिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 हफ्ते का वक्त दिया है उन राज्यों को जिन्होंने अब तक अपना एफिडेविट नहीं फाइल किया कि क्या इसमें प्रोग्रेस हुआ है, और ये भी कहा है कि जिन विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है उनको भी दिया जाए। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, आप याचिकाकर्ता हैं इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप बताएं कि हमारे ऑर्डर्स का आप क्या कर रहे हैं, एक फाइनल वार्निंग दी, और ये भी कहा है कि आप बताएं कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं आपने पब्लिसाइज किए, लोगों को बताया है क्या किया, थोड़ा बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो 2-3 चीज़ हुई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहले के 9 राज्य थे, 8+1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर कंप्लायंस रिपोर्ट अब तक फाइल नहीं की। अब इसमें एक हैरत की बात यह है कि दिल्ली सरकार सीधा दिल्ली की जो पुलिस है सीधे सीधे केंद्र सरकार के नीचे आती, दिल्ली सरकार के नीचे नहीं आती, और जो हमारे राजनाथ सिंह साहब है और मोदी जी है बार बार कहते, चाहे चुनावों में कहते चाहे पार्लियामेंट में कहते, कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए और उन्हीं की पुलिस कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल नहीं करती। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे, 1 हफ्ते का टाइम मिला है, वार्निंग मिला है, और अगर ये फाइल नहीं करती दिल्ली पुलिस हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी 2 हफ्ते बाद। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है कि अस्तर कॉम्पनसेशन में एक रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए, परिवार को रिहैबिलिटेट करना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, तो इस पर एक पॉलिसी इवॉल्व होनी चाहिए, वो 2 हफ्ते के बाद फिर। आपने जो कहा कि ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है, कॉम्पनसेशन की बात नहीं है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, और ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने ये रखा था कि ऐसा भी है कि जिन लोगों ने अटैक किया था एक तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है, वो टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, और जो मरा है, जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार को कॉम्पनसेशन तक नहीं मिल रहा, न्याय की क्या बात है। देखिए, एक जो अक्यूज था उस पर केंद्र के मंत्री ने जाकर तिरंगा लहराया, वही तिरंगा जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लहराता है, हमारे शहीदों पे लहराता, वो एक अक्यूज पे लहराया। दूसरे एक मिनिस्टर एक कदम आगे गए, जो कॉन्विक्टेड था उन पर उन्हें फूलों की माला से उनका स्वागत किया, उन्हें फूलों के हार पहनाया उनके घर के अंदर। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो नाइंसाफ़ी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी अपना नाराज़गी व्यक्त किया। तो हमारा ये कहना है कि जो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ये आदेश दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 1 हफ्ते के अंदर पब्लिसिटी करें कि जो भी व्यक्ति मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होगा और वो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और सख्त से सख्त उसे सजा भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे तहसीन बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वार्निंग दी है, थोड़ा और समय दिया है, लेकिन बात यह है कि अगर जिस व्यक्ति ने अगर अटैक किया है उन्हीं का अगर सम्मान हो रहा है, और जो जिनका परिवार नष्ट हो गया है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसकी हत्या कर दी गई, उनके लिए क्या। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।